आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री जय प्रताप सिंह और अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने COVID-19 के संबंध में की चर्चा। एम्बुलेंस सब वाहन बढ़ाने के साथ CHC PSC पर बेड बढ़ाने के दिए निर्देश, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या बढ़ाने का कर रहा है प्रयास। CDO ने कहा मंगलवार से मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होंगे 45 नए बेड। शासन के निर्देश पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व निराश्रित परिवारों में भुखमरी की दशा, बीमारी एवं मृत्यु होने पर अंत्येष्टि हेतु राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से की जाएगी आर्थिक सहायता प्रदान। DPRO ने कहा निर्धन व्यक्तियों को 1,000, इलाज के लिए 2,000 व अंत्येष्टि के लिए दिया जाएगा 5,000। SSP ने किया मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड और गीडा क्षेत्र के ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में सोमवार को मिले 887 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 37,368। अब तक 419 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 9,650 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। 2 मई को 20 ब्लॉकों पर पंचायत चुनाव का होगा मतगणना। ADM फाइनेंस ने कहा लगाए गए हैं 8,000 मतगणना कर्मी, 28 अप्रैल से दिया जाएगा प्रशिक्षण। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जा रहा है सैनिटाइजेशन का कार्य। DPRO ने कहा सैनिटाइजेशन से कोरोना संक्रमण पर लगेगा लगाम। जनपद में जिला अस्पताल सहित 67 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के 5,738 नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन, लोगों ने बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में लिया हिस्सा। कोरोना संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए नगर निगम ने कराया कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभी कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, जिससे लग सके कोरोना पर लगाम। सराफा मंडल के आह्वान पर 3 दिन बंद रहेगा सराफा की दुकानें। सराफा मंडल के अध्यक्ष ने व्यापारियों का जताया आभार, कहा बंदी से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में मिलेगी मदद। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के दृष्टिगत लगाए गए नाइट कर्फ्यू का असर सोमवार को भी मिला देखने को। जनता स्वयं कर रही है नाइट कर्फ्यू का पालन।